अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं? काम कंप्लीट कर लिया है? वेरी गुड, काम पूरा कंप्लीट हो गया है, शाबाश। अच्छा, काम शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं? आइकन्स देखते हैं? वो तो आप देखते हैं, लेकिन वैसे काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए जी। सिर्फ खाने से पहले ही नहीं, बल्कि हम जो भी काम स्टार्ट करें, कोई भी काम शुरू करें, हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ोर से पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने दिल में आहिस्ता से भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ लेती हूँ शुरू में, जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पहले दिल में आराम से आहिस्ता से पढ़ती हूँ, फिर कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम जी। इसी तरह से आप भी जब भी कोई स्टार्ट किया करें, कोई काम शुरू किया करें, तो क्या किया करें? पहले बोला करें बिस्मिल्लाह। हाँ, ऐसा ही इस तरह से पढ़ लिया आपने, चाहे तो ज़ोर से भी पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आपको देख के और भी लोग पढ़ लें, है ना भाई? ये भी हो सकता है, चाहे तो आप खुद से पढ़ लें आहिस्ता से, ये भी हो सकता है, ठीक है? देखिए, इससे क्या होगा कि बिस्मिल्लाह की बरकत से आपका काम बहुत अच्छा होगा। आपको भी काम अच्छा लगता है ना अपना? तो सब काम करने से पहले आप क्या पढ़ेंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के काम स्टार्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं। और क्या करते हैं कि भाई, अब तक हमने जो नई चार आवाज़ें पढ़ी थी, वो कौन कौन सी आवाज़ें थी, जरा जल्दी से बता दें। मुझे याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप बताएं, बता दें ना, आप लोग मेरे दोस्त हैं, मेरी हेल्प कर दें, बता दें भाई हमने कौन सी चार आवाज़ें अभी तक पढ़ी हैं जी। हाँ, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया मुझे। थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मैं इन चारों आवाज़ों को रिवाइज़ कर लेती हूँ, है ना, ताकि अगर आप में से कोई भूल रहा हो तो उसे भी रिवाइज हो जाए, जैसे मैं भूल रही थी, है ना भाई? तो ऐसा करते हैं कि अपनी किताब निकालते हैं, उर्दू सिलसिला साल अव्वल, और उस पर सफ़ा निकालेंगे, यहाँ पे 53, और उस पर मौजूद है हमारी चारों आवाज़ों का रिवीजन इआदा, यानी कि हम चारों आवाज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर कोई भूल गया है, जैसे मैं भूल गई थी, तो हम इसको रिवाइज़ कर लें, हमें याद आ जाए कि अच्छा, कौन सी आवाज़ें पढ़ी थी हमने। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, हम आज का यादा कर लेते हैं चारों आवाज़ों का इस सफ़े पे, और इस सफ़े को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पढ़ने से पहले क्या करेंगे जी? बिस्मिल्लाह तो आपने पढ़ ली है, बिल्कुल पढ़ ली, अब क्या करेंगे? आइकन्स देखेंगे। तो देखते हैं आइकन्स कितने हैं यहाँ पे, कितने आइकन हैं बताएं? 1 2 3, 3 आइकन हैं, शाबाश। पहला आइकन कौन सा है भाई? ब की आधी शक्ल, पेंसिल रखी भी है, मतलब पेंसिल फेरिए, वेरी गुड। दूसरे में क्या है भाई? ब की तस्वीर है, ब की आधी शक्ल बनी हुई है, और बिल्ली की तस्वीर है, पेंसिल उसको मिला रही है, यानी कि आवाज़ को तस्वीर से मिलाना है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे मिलाना है, आवाज़ को तस्वीर से मिलाना है, ठीक है भाई, मिला लेंगे। इसके बाद मानो बिल्ली मौजूद है, मानो बिल्ली हर जगह आ जाती है और हमसे कहती है रंग भरिए। रंग भरने से हमारा सफ़ा भी तो कितना प्यारा लगता है ना, रंग भरंगा, खूबसूरत सा लगता है, ठीक है जी। मानो बिल्ली आपका कहना मान लेंगे और हम यहाँ पे रंग भर देंगे। और फिर यहाँ पे पहले क्या करेंगे? तारीख लिख देंगे। ये तो मेरे दोस्तों को पता है भाई कि भाई तारीख लिखी जाती है सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे कि पहले आवाज़ों को पढ़ेंगे, कौन सी आवाज़ें मौजूद हैं, कौन सी आवाज़ है भाई? शाबाश, ये कौन सी आवाज़ है? वेरी गुड, शाबाश, ये कौन सी आवाज़ है? वेरी गुड, और शाबाश, ये बताइए मुझे, वेरी गुड। ये तो हमने कल ही पढ़ी है ना, ये तो पक्की सी याद है, बिल्कुल जी। हमारे पास तीनों आवाज़ें मौजूद है, अब हमें इनको तस्वीरों से मिलाना है। तो पहले देखते हैं कि हमारी पहली तस्वीर कौन सी है। यहाँ पे हमने मिलाना है पहले इसको तस्वीर से, तो उसमें देखते हैं कि कौन सी तस्वीर की शुरू की आवाज़ है, ठीक है? ये क्या है भाई, क्या है ये? पढ़ा तो था हमने, बड़ी सी जो होती है ऊंची ऊंची सी इमारत, वेरी गुड, शाबाश। इमारत, इमारत की क्या शुरू की आवाज़ है? क्या इमारत की शुरू की आवाज़ है? सोचे इमारत, इमारत नहीं भाई, इमारत को हमसे नहीं मिलाएंगे।
गुलेल। क्या गुलेल की शुरू की आवाज है? गुलेल की शुरू की आवाज है नहीं भाई, तो हम गुलेल को से नहीं मिलाएंगे। शरबत, मजेदार ठंडा ठंडा शरबत, मुझे तो बहुत मजे का लगता है। आपको अच्छा लगता है, दिल चाह रहा है पीने का, आपका भी दिल चाह रहा है, पढ़ने के बाद पियेंगे, ठीक है। शरबत, शरबत की शुरू की आवाज, शरबत की शुरू की आवाज नहीं भाई, शरबत की शुरू की आवाज भी नहीं है, शरबत को हम से नहीं मिलाएंगे। और अब आ गया है सेब, 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 मजे का लगता है ना, सुबह खाते बहुत ही सेहतमंद होता है ये, इसको खाने से बहुत अच्छी हो जाती है सेहत। हाँ, और सेब की शुरू की आवाज क्या है भाई? सेब की शुरू की आवाज, सेब की शुरू की आवाज, जी सेब को हम से मिला देंगे। गुलेल को यहाँ मिलाया हुआ है, गुलेल की शुरू की आवाज़ ग है, गुलेल की शुरू की आवाज़ ग, तो हमने गुलेल को ग से मिला दिया है, शाबाश। अब क्या करेंगे भाई? श को मिलाना है, श को हम इमारत से नहीं मिला सकते, इमारत की शुरू की आवाज़ क्या है? अ है, श नहीं है। गुलेल की शुरू की आवाज़ श नहीं है। शरबत की शुरू की आवाज़ क्या है भाई? शरबत की शुरू की शरबत, 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 जी शरबत को हम से मिला देंगे, वेरी गुड, शाबाश। अब क्या करेंगे? अब क्या बचा है हमारे पास? अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमने क्या किया? सेब, शरबत, और उसके बाद आपके आ गया गुलेल। सही है, हमारा काम ख़त्म हो गया? नहीं हुआ, क्यों? हाँ, इमारत रह गई है, वेरी गुड। इमारत की शुरू की आवाज़ क्या है भाई? क्या इमारत की शुरू की आवाज़ है? नहीं। क्या इमारत की शुरू की आवाज़ है? नहीं। क्या इमारत की शुरू की आवाज़ अ है? अ इमारत, अ इमारत, हाँ इमारत की शुरू की आवाज़ अ है, तो हम इमारत को अ से मिला देंगे। हमारा काम हो गया, हमने यहाँ पे मिला लिया। और हमने इससे पहले क्या करना था? यहाँ पे पेंसिल फेरनी थी, जो आपने पेंसिल फेर ली है ना भाई, पेंसिल्स फेर ली आप लोगों ने, आपने यहाँ पे सब पे लिख लिया है, सारी आवाज़ों पे लिख लिया है, वेरी गुड। इसी तरह से लिखा है ना कि बड़ा सा नुक्ता जो पहले मौजूद है वहाँ पे पेंसिल रखी और आहिस्ता आहिस्ता सारे नुक्तों को मिला के आपने जो है वो पेंसिल फेरी है, फेर ली है ना, वेरी गुड। यानी कि हमने पेंसिल भी फेर ली है और हमने मिला भी लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कलर करेंगे, रंग भरेंगे। हमने बारी बारी हर तस्वीर पे रंग भरना है, पेंसिल शॉप कर लेनी है, अच्छा अच्छा रंग भरना है, तस्वीरों से बाहर रंग नहीं जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कलर करना है, रंग भरना है। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उससे पहले हम वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, बार बार देखेंगे, और अपने टीचर को जो हमें कॉल करेंगे कि हमें भाई काम बताइए, तो आप उन्हें बताइएगा कि आज हमने चारों आवाज़ों का रिवीजन किया है और इसकी पिक्चर उनको सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।